अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई शख्स सातवें दिन जो है अकीका ना कर सके तो उसे किस तारीख और किस दिन को करनी चाहिए? आम तौर पर यही लोग करते हैं कि सातवें दिन जो है अपने बच्चे का अकीका नहीं करते हैं, बल्कि सातवें दिन जो है छठियारी के नाम से एक रस्म लोगों ने ईजाद कर लिया है। हालांकि उस दिन देखा जाता है कि लोग अच्छे खासे खर्चा भी करते हैं, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम भी करता है और मेहमानों का आना जाना भी होता है उस दिन, लेकिन फिर भी अकीका नहीं करते हैं। बहरहाल सातवें दिन अकीका करना अफजल और बेहतर है, लेकिन अगर कोई बाद में भी करता है तो उसे कब करनी चाहिए और किस तारीख को करनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो है ये याद रखें कि अकीका अगर कोई सातवें दिन ना कर सका किसी उज़्र की वजह से या फिर यूँ ही ना किया हो तो फिर उसके बारे में दो तरीके किताबों में मिलता है। नंबर एक, पहला तरीका जो है हज़रत काज़ी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हज़रत फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपने बच्चे का जो है सातवें दिन अकीका ना किया हो तो फिर जो है वो और सात दिन मिला लें, यानी चौदहवें दिन में करें, या फिर चौदह दिन में ना कर सका हो तो फिर और सात दिन मिला लें, इक्कीसवें दिन में करें, या फिर सात महीने में करें, या फिर चौदह महीने में, या फिर जो है इक्कीस महीने में, या फिर सात साल में करें, या चौदह साल में, या इक्कीस साल में। घर जब वो ये सात का अदद लेकर के चलते हैं कि ये सात सात जो है बढ़ाते जाए। पहला तरीका हज़रत काज़ी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह ने ये बयान किया। और दूसरा तरीका हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नवरल्लाह बरकतहू फरमाते हैं कि अगर किसी बच्चे का सातवें दिन अकीका ना किया गया हो या फिर घर वालों ने ना किया हो तो उसका अकीका करें जब करें, मसलन दो महीने बाद, तीन महीने बाद, या साल, दो साल, दस साल बाद, जब भी उसका अकीका करना चाहे। तो ये याद रखें कि बच्चे की पैदाइश किस दिन हुई, मसलन जुमे के दिन पैदाइश हुई है तो जुमेरात को करें, तो इस तरीके से ये सातवां दिन होगा, या फिर जुमेरात को पैदाइश हुई है तो बुध को करें। इस तरीके से आप जब भी करें तो ये ख्याल रखें। तो ये जो है इस्तेहबाब के इन हज़रात ने दो तरीके लिखे हैं, आपको इन दोनों तरीक़ों में से जो सहूलियत हो उस पर अमल करें। लेकिन अगर कोई इन दोनों तरीक़ों पर भी अमल नहीं करता है, ना सातवें दिन अकीका करता है, ना इन बयान करता जो हमने अभी जो आपके सामने जो तरीके बयान किए हैं, इन तरीके में से किसी पर भी अमल नहीं करता, बल्कि कोई एक दिन मुंतखब करके जो है अकीका कर लेता है, तब भी जो है अकीका हो जाता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रखें सबसे अफजल और बेहतर तरीका यही है कि आप बच्चे के जो है सातवें दिन ही अकीका करें, ये सबसे अफजल और बेहतर तरीका है। और अगर इस तरीके पर कोई अमल ना कर सके, बाद में जब आपका जी चाहे करे, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे जो है अकीका हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।